और आप चाहें तो इसके अंदर भी कुछ मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक राउंड सर्कल ले लिया और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और VGFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लेक्स के डिजाइन के बारे में कि कैसे हम इसका मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि अगर आपको कोई बोर्ड बनाना हो तो इंची टेप की मदद से किस टाइप से हम ये काम कर सकते हैं और आपको कैसे मतलब किसी दीवार का साइज लेना है या फ्लेक्स के बोर्ड का साइज लेना है तो उस तरह से आप कैसे साइज लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये वॉल है। एक प्रकार से मान लीजिए इसमें मुझे 4x3 का एक बैनर क्रिएट करना है या लगाना है 4x3 का एक बैनर इस टाइप से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका 4 फुट साइज यहां से हो गया है ये वाला, ये हमारा 4 फुट साइज इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, आपको 3 फुट लेना है, यानी कि 3 फुट लेंगे तो 3 फुट के लिए आपने यहां पे जाना है और सिंपली यहां से आपको 3 फुट का ये हमारा साइज है यहां तक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 4x3 का एक बैनर तैयार हो जाएगा। 3 ये देखिए, तो यानी कि आपका 4 फुट ये, 3 फुट ये। तो इस तरह से हम उसमें जो ना कोरल ड्रॉ की मदद से ये साइज हम क्रिएट कर लेंगे और लगा लेंगे। और जब आप फ्लेक्स पे जाते हो तो आपको जो ना फ्लेक्स के लिए प्रिंट देना होगा तो उसके लिए आपको CDR निकालनी होगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि कन्वर्ट टू कर्व ही फाइल निकले, यानी कि आप जिस भी फोन को आउटपुट देते हो तो कन्वर्ट टू कर्व में ही जाए वो, है ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे कोरल ड्रॉ में हम साइज लगाते हैं इसका। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कोरल ड्रॉ के फ्लेक्स के डिजाइन के बारे में। अभी मैंने आपको जो बताया वो दीवार पे साइज लेना बताया था कि जिससे कि हम दीवार पे साइज ले हैं और उसको कर लेने के बाद में फिर हमने यहाँ पे कंप्यूटर में साइज लगाना है, यानी कि साइज देना है, मेजरमेंट देना है। अब मैंने वहाँ पे जो लिया 4x3 फुट का साइज लिया है, यानी कि आप अगर उसको इंचिस में नापते हैं तो 12x48 और 36 का साइज लगेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से ये मैंने बॉक्स लिया, ये आपका इंचिस है ये वाले पॉइंट, है ना, और ये आपके फीट के पॉइंट होते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिएगा फीट जो होता है, जो दीवार पे जो होता है वो फीट का साइज होता है। और जो वैसे आप अगर वैसे नॉर्मली साइज लगाते तो इंचिस में भी लगा सकते हैं, 1 फुट का 12 इंची होता है, ठीक है। तो इसको मैं फीट में कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स ले लिया कोरल ड्रॉ का और ये मैंने लिया है, एक बॉक्स बनाया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सिंपली इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं ये अभी कितना क्या है आपका फीट है, यानी कि मैं इस पे साइज रख देता हूँ 4x3 फुट। ये आपका पूरा का पूरा साइज लग गया है, ठीक है ये वाला। और पी हम प्रेस करेंगे तो एकदम फिक्स आ जाएगा पेज में, ये देखिए। अब हमने करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें कलर लेना है। हमने जी प्रेस किया मैंने, ठीक है। जी प्रेस करने के बाद में आपका क्या हो गया, ये मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, ये लिया किया मैंने और ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ इधर। इसको प्रेस किया और यहाँ से ब्लू कलर ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने टेस्ट लिखा हुआ है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड ऑफ द सेशन। ये देखिए, F8 प्रेस करेंगे तो टेस्ट टूल आ जाएगा आपका, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको हम डाल देते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो इसका कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट जो भी आपको लगता है वो आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, कलर अगर आपको लग रहा है ये, इस पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर को ये, और यहाँ से हम कर देते हैं वाइट, नहीं जमेगा।
इसमें थोड़ा सा हम वाइट देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे अब सेल का साइन ले लेते हैं, इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे कर्सर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल सी और वी। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके सेंटर कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका सी। अब हमने क्या करना है, एक और लेना है लिमिटेड क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पर लीजिए, इसको भी हमने पेस्ट कर लिया इस टाइप से, ठीक है। ये आपका आ गया इस टाइप से। अब हमने कुछ जो पिक्चर्स जो निकाली है, जैसे ये की आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तीन पिक्चर को आपने प्लेस करना है। एक को हम प्लेस कर देते हैं इस जगह पे, और सेल 20% डिस्काउंट को हम यहाँ ले लेते हैं इस टाइप से। और आप चाहें तो इसके अंदर भी कुछ मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे ये हमने एक राउंड सर्कल ले लिया और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं हम कुछ। सेल्स का हम कर देते हैं फॉन्ट चेंज। अब फॉन्ट चेंज करने का अगर आपने करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से आपने जो भी फॉन्ट लेना है उसको सिलेक्ट करना है खाली और ऐसे कर देना है, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। ये आपका आ गया सेल्स को थोड़ा सा इस टाइप से कर दीजिए आप, और इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट में जाएंगे, इफ़ेक्ट में जाने के बाद में आपने एडजस्टमेंट में जाना है और टोन कर्व का रूप ले लेना है। अब ये देखिए ये आपको मैसेज दे रहा है, तो यानी कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट टू बिटमैप इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके कर दिया मैंने इसको। अब हम इफ़ेक्ट में जाएंगे यहाँ पे, सॉरी इफ़ेक्ट एडजस्ट टोल कर्व, जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अब ये आपका आ गया है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कोई भी, जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ आपका पिक्चर में, फॉन्ट इसका चेंज कर लीजिए थोड़ा सा आर्टिस्टिक लगे जो। ये आपका आ गया, ठीक है।
ये आपका 4x3 फुट का पूरा बैनर तैयार हो गया है। इसमें भी अगर आप थोड़ी सी कलाकारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए ताकि ये नीचे से ठीक लगे, और इसका मैं थोड़ा सा कलर अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मैं चेंज कर देता हूँ हल्का सा। ये देखिए, ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओके। ये आपका पूरा का पूरा बैनर तैयार हो गया है, यानी कि फ्लैक्स का डिज़ाइन। और अब आपने इसको क्या करना है, इसकी CDR फाइल लेके जानी है सीधा प्रिंटर पे और इसको प्रिंट करा लेना है एज इट इज। तो ये एज इट इज आपका प्रिंट होकर निकल जाएगा, आप इसको कहीं पे भी ले जाके चिपका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।